ये सब है जो कि आज हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोगों को लिफो मेथड से स्टोर लेजर बनाना है, जिसके अंदर में जनवरी 1 को हम लोग को बैलेंस दे दिया हुआ 100 यूनिट, फिर हम लोग रिसीव कर रहे हैं 2 तारीख को। तो इसमें प्रिंट करने लायक कुछ नहीं है, जैसे कि तुम लोग देख पा रहा है पूरा सम्स के अंदर में रिसीव एंड इशू दिया हुआ है 1 बाई 1। तो हम लोग अच्छा रहेगा कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जब सॉल्व हम कर लेना तो लास्ट में भी स्क्रीनशॉट ले लिया करो, सो दैट तुम लोग सॉल्व करके इजिली नोट डाउन कर पाएगा। थैंक यू सो मच। इस क्वेश्चन से हम लोग दो तीन चीज सीखेंगे, दैट इज एक तो लिफो सीखेंगे, फिर हम लोग इसमें रिटर्न का ट्रीटमेंट सीखेंगे और साथ ही साथ वेस्टेज का ट्रीटमेंट सीखेंगे, मतलब एक तीर से तीन निशान। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को देखो Jan 1 को दिया हुआ है, 2014 Jan 1 को हम लोग को फिगर दिया हुआ है कि अपने जो है बैलेंस है 100 यूनिट। तो बैलेंस अगर दिया हुआ है तो हम तो क्वांटिटी में लिखेंगे 100 यूनिट, और रेट है उसका 1.1, तो यहाँ पे हो जाएगा 110। क्लियर? और तुम रिमार्क में लिख दोगे ओपनिंग बैलेंस, गॉट इट? फिर इसको जो है क्लोज नहीं करते हम। जैन टू को देखो, हम लोगों को दिया हुआ है अपने रिसीव कर रहे हैं 200 यूनिट, तो रिसीव में लिखोगे 200 यूनिट 1.20 करके, तो ये 2.240 हो जाएगा। तो फिगर हो जाएगा 100 ये और 200 ये, 100 था 1.10 करके तो 110, एंड ये था 1.20 करके तो ये 240। तो हम लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बार बार हम तुम लोग को बोलते हैं कि एग्जाम में नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक लाइन से ड्रॉ कर दे रहे हैं, सो दैट तुम लोग को अच्छे से समझ में आए। क्लियर? उसके बाद जो है 10th को, Jan 10 हमको फिगर दिया हुआ है, इशू किए हम लोग 150 यूनिट। अब देखो हम लोगों ने लिफो यूज किया है, तो अब हम लोग नीचे से सामान निकालेंगे, जो लास्ट में इन किया है उसको फर्स्ट आउट करेंगे। तो अपने इशू करना है 150 यूनिट, 150 यूनिट है ना, तो हम 150 यूनिट कहाँ से ले सकते हैं, नीचे वाले में से, मतलब 1.20 करके। तो 150 × 1.20 करें तो फिगर हो जाएगा 180। तो अभी भी देखो वो 100 वाला अमाउंट ऐसे ही बचा हुआ है, और यहां से 50 अमाउंट अभी भी बचा हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा 60 और यहाँ पे हो जाएगा 110। फिर से अपने इसको क्या कर लेना है, क्लोज कर लेना है। फिर जो है Jan 10 के बाद 14, Jan 14 को दिया हुआ है, रिसीव कर रहे हैं अपने 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 1.30, तो ये हो जाएगा 130। तो अपने पास तीन सामान हो गया, 100 पहले से था, 50 नया आया और 100 भी नया आया है, तो 1.10, 1.20 एंड 1.30, तो फिगर हो जाएगा 110, 60 एंड 130। फिर से इसको क्या करेंगे, लाइन को क्लोज कर लेंगे अपने, सो देट हम लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। क्लियर? अच्छा, फिर देखो Jan 18 को इशू कर रहे हैं अपने 150 यूनिट। अगर हमको 150 यूनिट इशू करना है, तो यहां से हम 150 डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, तो यहां से हम जितना ले सकते हैं वहां उतना ले ले रहे हैं, तो 100 यूनिट वहां से ले लिए, रिमेनिंग का 50 यहां से ले ले रहे हैं, 50 यूनिट यहां से ले लिए, तो 1.20, तो यहाँ पे हो गया 130 और ये हो गया 60। अब मेरे पास ये दोनों यूनिट इशू हो चुका है, तो ये यूनिट बचा हुआ है 100 यूनिट बचा हुआ है 110 करके, तो 1.10 करके, तो 110। फिर से इसको बैलेंस को क्या कर लेंगे, अपने बंद कर देंगे। क्लियर? फिर देखो Jan 18 के बाद हम लोग को दिया हुआ है 23rd, Jan 23rd। अब यहां पे बोला है रिटर्न फ्रॉम इशू ऑन 10th, जो हम लोग इशू किए थे 10 को, वो हम लोग पास वापस से रिटर्न आ गया है ना, ऑन 10th। कितना यूनिट? 20 यूनिट। तो हम लोग एज्यूम करेंगे ये 20 यूनिट रिसीव हो गया है 1.20 करके, है ना, तो ये हो जाएगा 240, सॉरी 24। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 100 यूनिट लिखेंगे 1.10 प्लस 20 यूनिट लिखेंगे 1.20 वाला। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर रेट 1.20 है, तो यहाँ भी हम लोग को रेट 1.20 देना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 110 एंड यहाँ पे हो जाएगा 24। फिर जो है हम लोग रिसीव कर रहे हैं 100 यूनिट। क्लियर? तो Jan 26 को हम लोग 100 यूनिट रिसीव कर रहे हैं 1.20 करके, तो
तो ये हो जाएगा तुम्हारा 120। अब देखो 1.20 वाला ही हमारे पास पहले से था और उसके ठीक नीचे है, तो अपने चेंज करने की जरूरत नहीं है। 100 यूनिट ये और 20 प्लस ये ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे ही रहने दो ना, तुम लोग को ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो इसको हम क्लोज कर लेंगे, फिर इसको भी क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पे फिगर कितना कितना आ जाएगा, यहाँ पे फिगर हो जाएगा 110, यहाँ पे हो जाएगा 24 और यहाँ पे हो जाएगा 120। फिर जो है 26 को हम लोग रिसीव कर लिए। अब 30th को वेस्टेज डिडक्टेड हुआ है, जैन 30 को वेस्टेज, वेस्टेज मीन्स नथिंग जस्ट अ इशू, है ना। तो हम लोगों को 10 यूनिट का वेस्टेज डिडक्ट हुआ है, तो 10 यूनिट इशू मानेंगे और 1.20 ले लेंगे, क्योंकि जैसे फीफो जैसे इशू करते हैं वैसे करेंगे, तो नीचे से ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 12। तो अब अपने पास 100 यूनिट 1.10 वाला बचा, 20 यूनिट 1.20 वाला बचा और 90 यूनिट 1.20 वाला। भैया दोनों का रेट है सेम है, तो हम लोग तो एक ही में लिख सकते हैं। हाँ ऑफकोर्स लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। ये 110, ये 24 और ये हो जाएगा तुम्हारा 12 चला गया 108, क्लियर। अब जो है लास्ट हम लोग को इशू दिया हुआ है 110 यूनिट, क्लियर। लास्ट इशू दिया हुआ है अपने 110 यूनिट जैन 31st को। तो हम 110 यूनिट पहले 1.20 वाला और इसमें से 20 भी ले लेंगे, तो 110 अपने आप हो जाएगा। तो ये फिगर हो जाएगा तुम्हारा 108, ये फिगर हो जाएगा 24। अब ये दोनों चला गया तो मेरे पास ये सिर्फ बचा 100 यूनिट 1.10 करके, तो 110। थैंक यू। इसके सामने क्लोजिंग बैलेंस लिख लेना बस।